चल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, तो ना अब क्या होता है कि जो मतलब कि SD कार्ड्स हैं, मतलब जो कार्ड रीडर वगैरह है, वो सारे फुल हो जाते हैं ना, फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है। 128 GB का फ़ोन है वो भी फुल हो जाता है। तो उसके लिए अब मैंने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मंगाई है, जिसको मतलब सैमसंग की SSD मंगाई है 1 TB की। तो देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं बाद में आपको। अभी तो फ़िलहाल तो फ्लिपकार्ट से आया है, बिग बिलियन डेज में मंगाया मैंने ये। ये मेरे को पड़ी है 7500 रुपीज़ की। वैसे इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेट 9000 था, डिस्काउंट करके 7500 की पड़ी है। वैसे इन जनरल इसका प्राइस 10000 रहता है। तो मेरे को ये पड़ी है 7500 रुपीज़ में, 1 TB की सैमसंग की T7 1 TB की SSD है। ठीक है, इसको खोल के देखते हैं बाकी इसका रिव्यू कैसे चलती है कैसी नहीं, वो आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी इसको खोल के देख लेते हैं कि प्रोडक्ट सही आया है या नहीं। तो वैसे देख सकते हैं सिंपल एक ये लिफाफा है, इस लिफाफे में एक सीधा इन्होंने डब्बी डाल के दे दी। ठीक है, तो और ये पैकेजिंग यहाँ से देख सकते हो पूरी की पूरी ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, देख सकते हो दबी हुई है मतलब काफ़ी ज़्यादा। और ये भी देख सकते हो, ठीक है, ये इसमें से एक बिल निकला है। लेकिन ये जो पैकेजिंग है बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखो ये कैसी मतलब कितनी, ये पूरा डब्बा ऐसे दबा हुआ है, क्योंकि ये भाई इतने सारे प्रोडक्ट्स के बीच में आया है, तो पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिर्फ एक लिफाफे में डाल के दिए ऐसे वाले। तो ये आपका पूरा डब्बा है, इसकी हालत आप कंडीशन आप देख ही पा रहे हो, आपको दिखा दी मैंने पूरी, देख सकते हो कैसे डब्बा फूला हुआ है, टूटा हुआ है। अभी अंदर से देखते हैं कैसी निकलेगी, आई होप डैमेज तो ना निकले, नहीं तो फिर रिटर्न का पंगा रहेगा। तो अभी यहाँ से इसको खोल लेते हैं। पैकेजिंग तो मतलब यार इसकी बहुत बेकार करके दी है, कोई सेफ्टी है कुछ वो नहीं है, बस ऐसे ही लिफाफे में डब्बा डाल के दे दिया। यार इतनी महंगी चीज़ है, 7000 रुपये की, 8000 रुपये की चीज़ है, इसको कम से कम अंदर से भी देख सकते हो पूरा डब्बा कैसे फूला हुआ है, ये देख सकते हो। तो ये मुझे तो लग रहा है वैसे तो डैमेज नहीं होनी चाहिए। और ये रही पूरी आपकी हार्ड डिस्क, तो ये है आपकी SSD। तो ये देख सकते हैं, है तो ये बहुत छोटी, मतलब कि ये पॉकेट साइज़ है, एक क्रेडिट कार्ड के साइज़ जितना, आपका जितना ATM का साइज़ होता है ना, उतनी ये है SSD। 1 TB की SSD है इसमें, ठीक है। सी टाइप इसमें पोर्ट है आपकी, ये आपका डब्बा था, यहाँ से निकली है ऐसे, यहाँ पड़ी थी। और उसके बाद अभी डब्बे में देखते हैं और क्या क्या है। बाकी डब्बे में से एक ये निकला है बॉक्स, इस बॉक्स में इसकी केबल्स वगैरह हैं। एक केबल तो ये निकली है, ये है C टाइप टू C टाइप केबल, देख सकते हो C टाइप टू C टाइप। इसको मतलब आप अपने फ़ोन से और सी टाइप किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, C टाइप टू C टाइप। और एक अगर ये आपको अपने लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करनी है, तो ये एक C टाइप, ये रही C टाइप, और ये A टाइप। तो मतलब इसमें दो केबल, ये रही आपकी दो केबल। तो पूरी बॉक्स में ये निकला, इस बॉक्स में से निकली है। उसके साथ ये यूज़र मैनुअल वगैरह है सारी, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग पोर्टेबल SSD, इसके अंदर इसका पूरा सब कुछ लिखा होगा। तो यार पैकिंग वगैरह तो ख़राब निकली, बाकी अभी देखते हैं इसको कनेक्ट करके। तो ये तो होगी आपकी यहाँ पे कनेक्ट, ये रहा आपका पूरा ऐसे। आप इसको अभी इस वाली पोर्ट को अपने फ़ोन से जोड़ेंगे तो चल जाएगा। अभी अगर जैसे आपको एंड्रॉइड से कनेक्ट करना है, तो सीधा आप C टाइप प्लग में डाल सकते हैं, ये आपका C टाइप। लेकिन वही अगर आपके पास iPhone वगैरह है, तो उसके लिए आपको एक iPhone के लिए अलग से अडेप्टर लेना पड़ेगा, जैसे कि मुझे करना पड़ेगा। लेकिन बाकी इसकी स्पीड वगैरह, कॉपिंग की, वो सब कैसी है, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, जिसमें इसको चला के रिव्यू करूँगा। फिर अगर हम देखें यहाँ पे चला के रिव्यू करने के लिए, तो मैं अपने फ़ोन से इस पर कनेक्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे ये मेरा फ़ोन है, ये Realme X का फ़ोन है, ठीक है। उसमें Realme X के फ़ोन में कनेक्ट करके देखते हैं, इसको आपके सामने जोड़ रहा हूँ। तो ये मैंने कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन ये डिटेक्ट तो नहीं हुई, चली नहीं, लाइट तो नहीं आई इसमें। एक बार मैं
OTG का फंक्शन ऑन करके देखता हूँ कि चलेगी या नहीं। वैसे तो नहीं चली डायरेक्ट। एडिशनल सेटिंग्स, OTG कनेक्शन ऑन। नहीं, ये ऑन तो नहीं हो रही। मेरा OTG भी ऑन है लेकिन ये हार्ड डिस्क तो ऑन नहीं हो रही, देख सकते हो अपने सामने। तो इसका मुझे लग रहा है यार मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये ऑन ही नहीं हो रही है। एक बार पोर्ट्स चेंज करके देखते हैं। वैसे तो इससे कुछ होगा नहीं लेकिन फिर भी तो अब ये डाउट है, ये डैमेज्ड वगैरह तो नहीं है। मेरे फ़ोन का OTG भी ऑन है, सब कुछ ऑन है। तो Realme X में तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रही। अब मैं इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देखूंगा अगर वहाँ पे ये कनेक्ट होगी या नहीं, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रही कि ये कनेक्ट हो पा रही है या नहीं। तो यार ये SSD लेने का मुझे लग रहा है मुझे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि अगर ये मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट ही नहीं हुई तो मैं इसमें डाटा स्टोर कैसे करूँगा। मैंने ली इसलिए थी ये कि इसमें डाटा स्टोर हो। फिर भी माई फाइल्स में जाके एक बार चेक करते हैं। माई फाइल्स, माई फाइल्स में भी शो नहीं कर रहा, फाइल मैनेजर में भी शो नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है कुछ भी। तो मेरे स्मार्टफोन के साथ तो ये कनेक्ट नहीं हुई। अभी मैं इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देखता हूँ, अगर चलेगी तो आपको बताता हूँ। तो अभी लैपटॉप मेरा बंद है तो उसको ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेकिन उसके साथ कनेक्ट करके बताता हूँ। अगर चलेगी तो वीडियो में ऐड कर दूँगा, नहीं तो कमेंट्स वगैरह में बता दूँगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला हो कि कैसी है। देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी है ये, इसका पूरा ये यहाँ पे, लेकिन ये फ़ोन के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट तो नहीं हो पाई। शायद इसको एक्स्ट्रा पावर या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी कनेक्ट करके देता हूँ लैपटॉप के साथ पूरा रिव्यू, फिर आपको कमेंट्स वगैरह में या इस वीडियो के एंड में अलग से एक पार्ट बना के डाल दूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस इसको मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया, तो लैपटॉप के साथ तो ये जो ब्लू वाली है आपकी लाइट जल चुकी है, मतलब ये चल रही है। अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। ये जो लाइट है फ़ोन पे तो नहीं आ पा रही मेरे फ़ोन के साथ, रियल मी इसके साथ तो कनेक्ट नहीं हुआ। अभी आईफोन के साथ भी वो ला के देखूँगा कि चलेगा या नहीं। इसको हम जाते हैं डिस PC में, तो यहाँ पे तो शो कर रहा है वैसे ये T7 931 GB की स्टोरेज मिली है, इसमें से 1 TB में से 931 की स्टोरेज मिली है। ये रहा पूरा यहाँ पे, शायद ये इनकी एंड्रॉयड ऐप है उसका इन्होंने लिंक दिया। देख सकते हैं अब ये माई कंप्यूटर में पूरा शो रहा है। देख सकते मेरी पूरी डिस्क वगैरह फुल है, इसीलिए मेरे को लेनी पड़ी है। तो यहाँ पे ये रही, शायद ये इसकी एंड्रॉयड ऐप है, देखते हैं। तो यहाँ पे तो ये वर्क कर रही है लेकिन मेरे फ़ोन के साथ ये वर्क नहीं कर रही, जिसके लिए मुझे मेन चाहिए थी।